तो भाई यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा और आप देख सकते हो जो मोनेटाइजेशन सेशन में है कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। रील्स वाले को भी और जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं दोनों को एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है मोनेटाइजेशन का। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों यदि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो और दोस्तों हाल ही में चैनल मोनेटाइज हुआ या फिर पहले से मोनेटाइज था, ये अपडेट दोनों के लिए है। सो दोस्तों YouTube के मोनेटाइजेशन सेशन में जो शॉपिंग का ऑप्शन आया है उसके बारे में हम फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, जिससे कि आपको एक एक चीज आसानी से पता लग जाए और इससे क्या बेनिफिट है शॉपिंग वाले ऑप्शन से और क्या नुकसान है, ये दोनों चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को फुल डिटेल में देखिएगा। और दोस्तों यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि YouTube से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों पहले बात फायदा के कर लेते हैं कि आखिर इससे बेनिफिट क्या है। तो फ्रेंड ये अपडेट से बेनिफिट ये है कि पहले देखते होंगे काफ़ी सारा जो क्रिएटर था वो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते थे तो काफ़ी सारी जो जैसे हो गया जो भी चीज़ें थी जैसे मोबाइल वगैरह इस सब का अनबॉक्सिंग करते थे तो वहाँ पर लिंक डालते थे एफिलिएट का। लेकिन दोस्तों यूट्यूब ने अब एफिलिएट लिंक मतलब कि सोचा कि एफिलिएट लिंक डालता है उससे बढ़िया कि खुद का शॉपिंग एक प्ले स्टोर बनाया जाए, मतलब कि वहाँ पर एक स्टोर बनाया जाए शॉपिंग स्टोर, जिससे कि लोग है जो वो शॉपिंग स्टोर का यूज करें, एफिलिएट की जगह उस शॉपिंग स्टोर का यूज करें। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों जिससे बेनिफिट है उससे लॉस भी है, और उससे लॉस ये है फ्रेंड कि यदि शॉपिंग स्टोर वहां पर बना तो दोस्तों वो स्टोर वाले उसका चार्ज लेते हैं, मतलब कि मंथली आपको 2000 रुपया पे करना पड़ेगा और साल में कम से कम 22000 रुपया वहां पर लगेगा, उसका सब्सक्रिप्शन लगेगा। और ये कैसे कटेगा वो मुझे नहीं पता कि ये जो YouTube पेमेंट से कटेगा या एडसेंस से, ये मुझे कन्फर्म नहीं पता है। लेकिन इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा, क्योंकि आगे मैंने जब इसको वेरीफाई किया तो वहाँ ईमेल वगैरह मांगता है और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी अपना दिखाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अब चाहे तो आपकी मर्जी, आप ऐड कर सकते हो या नहीं, वो आपकी मर्जी। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड, और YouTube का ये अपडेट कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों यदि हमारे चैनल पर हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, आप चाहें तो आप हमें अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।